हेलो फ्रेंड्स, सिंपल कुकिंग बाय बीएन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको खिलाने वाली हूँ बाजार से भी टेस्टी और बिल्कुल हाइजीनिक पापड़ी चाट। और ये चाट की रेसिपी देखने के बाद आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, बातों में देर किए बिना मैं दिखाती हूँ मैंने ये चटपटी चाट कैसे बनाई है और क्या क्या इस्तेमाल किया है। पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड पापड़ी का इस्तेमाल किया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी भी पापड़ी चाहिए उतनी ले लें। साथ में यहाँ पर लिया है एक उबला आलू जिसे मैंने काट लिया है छोटे टुकड़ों में, 3 बड़ा चम्मच बारीक सेव। बारीक सेव की जगह आप भुजिया सेव या आलू भुजिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, 1 छोटी कटोरी अनार का दाना, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ताजा दही 1 छोटी कटोरी, 2 से 3 बड़ा चम्मच हरी चटनी। साथ ही हमने इसमें कुछ स्पेशल मसाला इस्तेमाल किया है। वो मसाला हमें कैसे बनाना है और उसमें हमने किन किन मसालों का इस्तेमाल किया है वो देख लेते हैं। यहाँ गैस पर मैंने एक तवा गर्म कर लिया है। जब तवा गर्म हो जाए तो गैस की आंच मीडियम कर दें। अब मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाला है। इस धनिया पाउडर को हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। जब मसालों को हम अच्छे से भूनते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। धनिया को भूनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है। जब धनिया पाउडर थोड़ा सा भुन जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। धनिया यहाँ पर अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर को भी हमें अच्छे से भून लेना है। जब तक धनिया पाउडर और जीरा पाउडर से अच्छे से भुनी हुई खुशबू नहीं आती है और दोनों का कलर चेंज नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे भुनना है। धनिया और जीरा पाउडर अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर। तीखा आप यहाँ पर अपनी पसंद से लें। इसे भी धीमी आंच पर 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। ज्यादा ना भूने वरना आपको खांसी होने लगेगी। 1/2 मिनट के बाद गैस बंद कर दें। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे, साथ ही 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे मसालों के साथ ताकि नमक और चाट मसाला में जो भी मॉइस्चर हो वो खत्म हो जाए और सबसे एक अच्छी भुनी हुई खुशबू आ जाए, साथ ही टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। सभी मसाले अच्छे से भुन गए हैं, साथ ही अच्छे से वो मिल भी गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये हमारा स्पेशल चाट का मसाला रेडी है। अब इस चटपटे मसाले का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कटे हुए आलूओं को लेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच ये जो स्पेशल मसाला बनाया था वो डाल देंगे। इस मसाले को हमें आलूओं में अच्छे से मिलाना है। मसाले को मिलाते हुए आलूओं को हमें थोड़ा मसल भी लेना है। इस तरीके से मसलते हुए आलूओं में जब हम मसाला मिलाएंगे तो आलूओं में मसालों का फ्लेवर अच्छे से जाएगा। यहाँ पर मसाला वाला आलू हमारा तैयार है। तो चलिए पापड़ी चाट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेट में जितनी भी पापड़ी हमें चाहिए वो रख लेंगे। यहाँ पर प्लेट में मैंने पापड़ी को सेट कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर मसाले वाले आलूओं को डालेंगे। सभी पापड़ी के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला वाला आलू रखेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर दही डालेंगे। सभी पापड़ी के ऊपर अच्छे से दही डाल देंगे। दही डालने के बाद अब सभी के ऊपर कटा हुआ प्याज डालेंगे। दही, प्याज, आलू आप सब अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा या कम जितना भी मन हो ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर हरी चटनी डालेंगे। ये हरी चटनी मैंने धनिया, पुदीना, मिर्च, अदरक और नींबू डालकर बनाया है। इस हरी चटनी में मैंने लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। इस चटनी में मैंने हरी मिर्च का इस्तेमाल ज्यादा किया है, इसलिए ये तीखी वाली चटनी है।
अब हम इसके ऊपर इमली की मीठी वाली चटनी डालेंगे। मैंने यहाँ पर रेडीमेड इमली की चटनी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसके ऊपर कटी हुई तीखी वाली हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से लें। अब हम इसके ऊपर बारीक कटा हरा धनिया छिड़क देंगे। अब चाट के लिए हमने जो स्पेशल मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे। यहाँ पर मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा या कम डाल सकते हैं। अब हम इसके ऊपर बारीक सेव डाल देंगे। सेव भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ज्यादा या कम, जितना पसंद हो डालिए। अब हम फाइनली इसके ऊपर अनार का दाना डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अनार के दाना के बिना भी ये चाट पापड़ी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार मेरे तरीके से चाट पापड़ी बनाकर जरूर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। साथ ही मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सिंपल कुकिंग बाय बीएन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।